बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू सेशन। और इस सेशन के अंदर जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सी शार्प। आज के सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा थ्रेटिकली भी चीज़ों को देखेंगे कि सी शार्प है क्या, बेसिकली इसको यूज़ क्यों किया जाता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, उसका यूजेज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर सी शार्प कहाँ कहाँ पर यूज़ हम लोग कर सकते हैं, फिर हम लोग इसके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपना एनवायरनमेंट जो है वो डेवलपमेंट के लिए क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे लैपटॉप की क्या मिनिमम जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और उसके अंदर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद जो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, सिंपल सी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे लाइक हेलो वर्ड, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग जो है वो टाइप्स देखेंगे, डाटा टाइप्स देखेंगे, टाइप कास्टिंग देखेंगे और डिफरेंट एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ वेरिएबल्स क्या होता है, अरेज, स्ट्रिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम इसके अंदर सी शार्प के अंदर हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग हर एक चीज़ को जो है वो बिगनिंग से जो है वो उसको क्लियर आउट कर लेंगे, ताकि इन केस अगर हम लोग अपना सी शार्प के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं तो हमारा करियर के लिए एक स्टार्टर पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आए चलते हैं और देखते हैं कि सी शार्प बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले मैं इसके कुछ यूजेज आपको बताना चाहूँगा कि सी शार्प बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रही है। और कुछ लोग इसको जो है वो सी हैश भी बोलते हैं। बेसिकली इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि सिंपल लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग जो है वो बेसिकली सी शार्प लिखते हैं। और एक मिनट, मैं यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहा था। इसको बेसिकली हम लोग जो है वो सी शार्प लिखते हैं इस तरह से, इसको सी हैश नहीं आपने बोलना, ठीक है। ये वर्ड है बेसिकली सी शार्प, ओके। तो बाद लोग इसको प्रोनंसिएट करते वक्त जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं, इसको सी हैश बोल देते हैं, तो सी हैश इसको आपने नहीं बोलना बल्कि ये क्या है, सी शार्प है। अब हम बात कर रहे थे कि इसके यूजेज क्या है, इसको कहाँ कहाँ पर हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको गेम्स डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सी शार्प को हम लोग कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सी शार्प को हम लोग विंडोज़ का GUI जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है विंडोज़ के अंदर, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सी शार्प जो है वो .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो रन होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, सी शार्प रन्स ऑन .NET फ्रेमवर्क। .NET फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि सी शार्प बेसिकली .NET फ्रेमवर्क के अंदर क्या होती है, रन होती है, एग्जीक्यूट होती है। तो इससे एक चीज़ हमें क्लियर होगी कि सी शार्प क्या है, .NET का पार्ट है, क्योंकि ये .NET के अंदर क्या होती है, .NET फ्रेमवर्क के अंदर क्या होती है, ये रन होती है। तो आए अब चलते हैं और देखते हैं कि ये जो .NET फ्रेमवर्क है ये बेसिकली क्या है। तो .NET फ्रेमवर्क बेसिकली ये है कि ये एक ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से हमारे पास एक GitHub है, ठीक है। GitHub के ऊपर डेवलपर्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वो क्या करती है अपना कोड वहाँ पे बनाने के बाद वहाँ पे पेस्ट कर देती है, ताकि कोई और अगर यूज़ करना चाह रहा है तो उसको ईजिली यूज़ कर सके, और वो टोटली ओपन सोर्स है, टोटली फ्री है, ठीक है। तो इसी तरह .NET फ्रेमवर्क जो है ये ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि इनिशियली जो है, चले वो मैं बाद में बताता क्रॉस प्लेटफॉर्म, बस अभी इतना ही बताऊंगा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, लाइक लिनक्स आ जाता है, लिनक्स का कोई भी वर्जन, यूबंटू है, रेड हैट है, सूसी है, और CentOS है, और डिफरेंट इसके जो फ्लेवर्स है लिनक्स के, उसके अंदर तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सपोर्टेड है। और लिनक्स के अलावा विंडोज़ है हमारे पास, MacOS है, यानी ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली .NET जो है वो इनिशियली सिर्फ विंडो के लिए डिज़ाइन किया गया था, यानी कि ये सिर्फ विंडोज़ को ऑपरेट करने के लिए या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है वो बनाया गया था। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, टेक्नोलॉजी इन्हांस होती गई, तो .NET ने क्या किया कि अपने आप को खुद को इन्हांस करने के बाद इतना इन्हांस किया कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी लिनक्स के ऊपर भी, मैक ओएस के ऊपर भी सपोर्टेड हो गया। लेकिन इनिशियली ये विंडो के लिए डिज़ाइन था। तो अभी जो मैंने वर्ड बोला था क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि अब ये तीनों जो है वो तीनों या चार इसके अलावा भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उन तमाम के ऊपर जो है वो ये रन हो सकता है। .NET फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गेम डेवलपमेंट के अंदर, डेस्कटॉप GUI के लिए, ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी हम लोग इसको जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने इसके यूजेस देख लिया, .NET फ्रेमवर्क को देख लिया क्या है। अब हम साथ साथ क्या करते हैं,
इसका जो है वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो हम लोग क्रिएट करते हैं, और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के साथ साथ हम लोग जो है वो, क्योंकि उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे तब तक अपने जो है वो देखेंगे कि सी शार्प कब लॉन्च हुई थी इनिशियली, और ये सी शार्प बेसिकली है कि अभी तक, तो हम लोगों ने इसके यूजेस देखें। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि विजुअल स्टूडियो एक IDE आप लोगों ने जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, जिस तरह हम लोग बेसिकली विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं, विजुअल कोड सॉरी यूज़ करते रहे हैं अपने तमाम कोडिंग के लिए अभी तक अपने सेशन के अंदर। लेकिन अब हम लोग क्योंकि बेसिकली सी शार्प और .NET के ऊपर मूव करने लगे हैं, तो उसके लिए जो हमें कोड एडिटर चाहिए वो विजुअल स्टूडियो IDE है, ठीक है बेसिकली। तो इस वक्त हमारे पास जो लेटेस्ट है वो 2019 है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो 2019 या कोई और, अगर आप जब वीडियो देखें कोई और वर्जन आ जाए 19 के बाद भी, तो आप लोगों ने वो क्या करना है, वो लेटेस्ट वर्जन उसका जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो सर्च करूँगा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, ठीक है। तो ये उसकी ऑफिशियल साइट पे हमें ले जाएगा। ऑफिशियल साइट से आप लोगों ने क्या करना है, 2019 जिसका वर्जन है वो आप लोगों ने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी है, जस्ट मैं आपको इसका जो है वो देखकर बताने लगा हूँ। यहाँ से ये देखें, मैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो विजुअल स्टूडियो के विजुअल स्टूडियो 2019 के जो है वो वर्जन नज़र आएंगे आपको यहाँ से। तो ये देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, कम्युनिटी करना है ये, और इसके अंदर क्या है ये आप देख सकते हैं, इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप पढ़ सकते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो है वो कम्युनिटी जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा वो आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है मेरे सिस्टम में, जिसकी वजह से ये जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये पता नहीं किस लैंग्वेज में आ रहे, मुझे खुद भी नहीं पता। तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको जो है वो ज़रा चेक कर लूँ। ओके, तो मैंने इसको गूगल के थ्रू ओपन कर लिया, मैंने सिंपल सर्च किया विजुअल स्टूडियो डाउनलोड्स, और आप लोगों ने क्या करना है, ये फर्स्ट ही लिंक है इसको ओपन कर लेना है। ये नीचे वाला लिंक है, इसका कोशिश कीजिएगा जो ऑफिशियल लिंक है ना वो आप ओपन कर लीजिएगा। मेरे पास ये फर्स्ट लिंक आ रहा है visualstudio.microsoft.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और ये मेरे पास इसके जो है वो तीन जो है वो डिफरेंट फ्लेवर्स या वर्जन आप कह रहे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी है जो कि बिल्कुल फ्री में हम डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफेशनल अगर हम लोग करेंगे तो इसके अंदर टूल्स वगैरह और कंपेटिबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए फ्री में मिलेगा, उसके बाद हमें इसका पे करना पड़ेगा। तो इनिशियली हमें, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है वो हम लोग इसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं करने वाले, तो इसलिए इनिशियली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कम्युनिटी जो है वो आप डाउनलोड कर लें, ताकि आप इसको फ्री में मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। अदरवाइज़ आप अगर पे करना चाह रहे हैं तो प्रोफेशनल या इंटरप्राइज़ के ऊपर जो है वो मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड अभी तक यूज़ करते रहे हैं, जो कि सिंपल कोडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम, वैसे हम लोग पाइथन वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर विजुअल स्टूडियो है इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाती हैं, लाइब्रेरीज वगैरह, क्लासेस वगैरह और नेम स्पेसिस वगैरह। ये भी जो मैंने वर्ड यूज़ करो, ये भी हम लेक्ट्रॉन देखते हैं जब हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। तो सिंपल जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंस्टॉलर फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैं इंस्टॉलर फाइल आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये फाइल है इंस्टॉलर फाइल, इस तरह की आपके पास जो है कुछ MB की होगी ये फाइल, वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने करना है इसको रन, ठीक है। तो ये रन होने पर कुछ टाइम, थोड़े से टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसको जो है वो इंस्टॉल कर लिया हुआ है, ठीक है। जस्ट मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है। इसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और इसके लिए इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट स्पीड इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ रिक्वायर्ड होती है कि इसके अंदर काफ़ी लाइब्रेरीज वगैरह जो है वो इंस्टॉल होनी होती है इंटरनेट के थ्रू। तो ये सिर्फ एक इंस्टॉलर फाइल है जो कि चंद MBs की है, ठीक है, जो कि जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगी। और लेकिन असल काम होगा जब ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद असल काम स्टार्ट होना, जिस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी आपने कौन कौन से पैकेज जो है वो अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से टाइम के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, और मैं बेसिकली इसको स्टार्ट करने के बाद हम लोग मूव करेंगे सी शार्प है क्या, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, और उसके बाद हम लोग जो है वो इसके फर्दर चीज़ों को देखेंगे। ये देखें यहाँ पे मैं इसको जो है सिंपल अपडेट करना चाहूँ, तो मैं इसको अपडेट पर अभी नहीं लगाऊंगा अपडेट पर, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है और मेरा इंटरनेट जो है वो पहले बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं, अब मेरे पास इस तरह की स्क्रीन नहीं आएगी। आपके पास जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपके पास कौन सी स्क्रीन आएगी, ठीक है। आपको बस ये स्क्रीन ही है कि जिस पे मैंने अभी क्लिक किया, ये मैं आपको दोबारा बताने लगा हूं, जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा
तो उसके बाद आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो मेरे पास कुछ इस बटन को प्रेस करने के बाद आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें कुछ अपडेट आई है जिसकी वजह से मेरे पास वो स्क्रीन नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसके अंदर आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो अडॉप्ट करनी है, आपने ASP.NET एंड वेब डिवेलपमेंट जो है वो ये टूल्स यूज़ करने हैं, या आपने Azure डिवेलपमेंट करनी है, या Node.js डिवेलपमेंट करनी है, या Python डिवेलपमेंट करनी है, डेस्कटॉप डिवेलपमेंट विद C++ करनी है, या .NET डेस्कटॉप डिवेलपमेंट करनी है, या आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस चीज़ की इनिशियली अभी ज़रूरत है C# के लिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप .NET को क्रॉस प्लेटफॉर्म डिवेलपमेंट भी है और लिनक्स डिवेलपमेंट विद C++ भी है, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने नहीं करनी। हाँ, इसमें हम लोग मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट सेलेक्ट किया हुआ है अभी C# के लिए। लेटर ऑन अगर हम लोग .NET पे मूव करते हैं, अगर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने भी मॉडिफाई पे क्लिक करके इसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, मैं करूँगा नहीं, जस्ट ये आपको दिखा रहा हूँ। तो जब आपके पास ये स्क्रीन आएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, इनिशियली चुप करके ये क्या करना है, .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट जो है वो इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने इसको ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेना है। यहाँ पे क्या है हमारे पास आ रहा है इस वक्त, डाउनलोड ऑल देन इंस्टॉल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल वो रिक्वायरमेंट बता देगा कि कितने GB का ये पैकेज है। ठीक है, तो मैं दोबारा बताने लगूँ, अभी आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या इंस्टॉल पर का सॉरी बटन आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी जो है ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मज़ीद इसको ये देखिए इसकी अपडेट आई हुई, मैं इसको अभी अपडेट नहीं करना चाह रहा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं लेटर ऑन अपडेट कर लूँगा। ठीक है, ताकि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं अभी इसको अपडेट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपके पास अपडेट आती है वाइल इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो, तो आप उसको जो है वो अपडेट लाजमी कर लीजिएगा। तो मैं इसको सिंपल क्लोज कर देता हूँ और हम लोग देखते हैं कि C# बेसिकली है क्या। तो देखें, अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है दैट इज़ जो है वो बेस्ट, और अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो मैं कुछ इस तरह से C# करवाऊंगा कि आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया हो जाए कि C# को हम लोग किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं C# की बात करता हूँ तो C# बेसिकली C फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी C++ हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जब पहले सेमेस्टर्स में होते हैं तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर में C++ पढ़ाई जाती है। तो जो C# है ये बेसिकली उसी C फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये आप कह लें कि ये C++, और अगर जावा आप लोगों ने की हुई है, जावा डेवलपमेंट यानी एंड्रॉयड डेवलपमेंट कभी आपने यूनिवर्सिटी में या कहीं पे पढ़ी हो तो ये तकरीबन उसके करीब तरीन है। ठीक है, ये सी फैमिली से बिलोंग करती हैं और C++ के करीब है, या फिर अगर आपने जावा परफॉर्म की हुई है, जावा पे कभी काम किया हो या थोड़ा सा इसका आइडिया हो, तो ये उससे तकरीबन सेम है, उससे मिलती जुलती है। ठीक है, और इसका जो C# का जो फर्स्ट वर्जन था वो बेसिकली 2002 में लॉन्च हुआ था, और अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है C#8 जो कि 2019 में जो है वो लॉन्च हुआ था। ठीक हो गया, और C# बेसिकली है कि आप इसको इसका इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, अभी तक हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन किया। ठीक हो गया जी, C# बेसिकली की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिस तरह हम लोग ऊप का सब्जेक्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो C# के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो C# इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, विंडो GUI बना सकते हैं, और C# क्या करती है, C# रन होती है .NET फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक हो गया, इट्स मीन के हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट यानी कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि उससे हम लोग जो है उसको .NET पर रन करके हम लोग एक एप्लीकेशन बिल्ड कर सकें। अब ये थोड़ी सी लाइन कम्प्लेक्स है, लेकिन लेटर ऑन हम इसको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक हो गया जी, इसका यूज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम लोग ना थोड़ा सा ज़रा सर्च करते हैं कि .NET फ्रेमवर्क, तभी तक तो हमने ये देखा ना कि C# रन होती है .NET फ्रेमवर्क के ऊपर, तो इट्स मीन C# .NET का पार्ट है। तो हम लोग अभी एक चीज़ जो है वो इंटरनेट से सर्च करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को स्टडी करेंगे कि जो .NET फ्रेमवर्क है उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, और उसके अंदर C# किस तरह से जो है वो यूज़ हो रही है या रन हो रही है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, दोबारा से गूगल पे आना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने सर्च करना है आर्किटेक्चर ऑफ .NET फ्रेमवर्क। ठीक है,
तो ये मैंने सर्च किया है और ये मैं क्या करूँगा, डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं, अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं ऑफिशियली डॉक्यूमेंट को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। तो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, बहुत लेंथी भी है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपको जो है वो सिंपल और उतनी सी समझाऊंगा ताकि ज़्यादा ये हमारा सेशन जो है वो बोरिंग ना हो और जल्दी से जल्दी हम लोग जो है वो अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करें। तो व्हाट इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क? डॉट नेट फ्रेमवर्क इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन ऑन विंडोज। तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हम लोग जो है वो एप्लीकेशन को रन करके, सॉरी जिसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं और उसको हम लोग विंडोज के ऊपर जो है वो रन करते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क इज द पार्ट ऑफ डॉट नेट प्लेटफॉर्म। डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो डॉट नेट प्लेटफॉर्म का पार्ट है और जिसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर बिल्डिंग एप्स, जिसके अंदर डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी, जरूरी नहीं सी शार्प है, उसके अंदर डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज यानी लैंग्वेजेस को हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, जो कि रन होती है लिनक्स के ऊपर, मैक ओएस के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर, आईओएस के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर, और इसके अलावा भी अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उन तमाम के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ी सी ये डॉक्यूमेंटेशन को मैं और थोड़ा सा पढ़ूंगा ताकि इन चीज़ों को हम लोग जो है वो ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए, हमें पता चल सके डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है और डॉट नेट कोर क्या है, क्योंकि आजकल डॉट नेट कोर भी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इन, और बेसिकली मार्केट में डॉट नेट कोर ही जो है वो यूज़ हो रही है। तो डॉट नेट कोर क्यों यूज़ हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। डॉट नेट एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड डॉट नेट कोर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट से इसको स्टडी कर लेते हैं। डॉट नेट इज़ अ डेवलपर प्लेटफॉर्म। डॉट नेट जो है वो डेवलपर का प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से गिटहब है, मेड अप ऑफ टूल्स, जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड होती हैं, लाइब्रेरीज फॉर बिल्डिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, और तरह तरह की जो है वो इसके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन बनाने में हमें हेल्प करती हैं, ठीक है। देर आर वेरियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ डॉट नेट, ठीक है। डॉट नेट की डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, लाइक ईच इंप्लीमेंटेशन अलाउ डॉट नेट कोड टू एग्जीक्यूट इन डिफरेंट प्लेसेस। हर इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो है वो डॉट नेट का जो कोड है वो डिफरेंट प्लेसेस पे एग्जीक्यूट होगा। डिफरेंट प्लेसेस पे एग्जीक्यूट मीन्स के लिनक्स के ऊपर हो सकता है, वो मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडो हो सकता है, आईओएस हो सकता है, एंड्रॉयड और मेनी मोर, ठीक है। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क इज द ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डॉट नेट, यानी कि डॉट नेट की जो ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन है वही बेसिकली क्या है, डॉट नेट फ्रेमवर्क है। इट सपोर्ट्स रनिंग वेबसाइट सर्विसेज, डेस्कटॉप एप्स एंड मोर ऑन विंडो। ये वेबसाइट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, सर्विसेज को सपोर्ट करता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है विंडोज के ऊपर रन करने के लिए। अब डॉट नेट कोर की बात करते हैं कि डॉट नेट कोर हमारे पास क्या है। डॉट नेट कोर इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंटेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि इसके अंदर हाइब्रिड इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होता है। हाइब्रिड मीन क्रॉस प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड एक ही वर्ड है। इट्स मीन कि इसके अंदर जो एप्लीकेशन बनेगी वो सिर्फ विंडोज़ के ऊपर रन नहीं होगी, बल्कि वो मैक ओएस के ऊपर भी होगी, वो आईओएस के ऊपर भी होगी, वो एंड्रॉयड के ऊपर भी रन होगी, वो लिनक्स के ऊपर भी जो है वो रन होगी और मैक ओएस के ऊपर भी रन होगी, सिर्फ और सिर्फ विंडो पे नहीं होगी, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होगी। तो डॉट नेट कोर बेसिकली क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक हो गया। और ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स इट्स मीन ये गिटहब का उन्होंने लिंक दिया, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें गिटहब के पेज के ऊपर ले जाएगा और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए अगर मैं विजिट डॉट नेट ऑन गिटहब करूँगा तो इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। आपने इसको बैठ कर डिटेल में डिस्कस कर लेना है, स्टडी कर लेना है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि थ्रेटिकल हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो गिटहब के ऊपर पड़ी हुई है और गिटहब भी आप कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट का है क्योंकि इन्होंने परचेज कर लिया हुआ है। तो मैं वापस आता हूँ। तो वापस आने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है और यहाँ पे एक हमारे पास हेडिंग है आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो ये थोड़ी सी हमारे पास जो है वो थ्योरेटिकल थ्योरी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं जब इसको पढ़ लूँगा तो फिर उसके बाद, क्योंकि आप सुन रहे होंगे तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस डायग्राम को जो है वो आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा और वो एक्सप्लेनेशन मेरे लिए भी ईजी होगी और आपके लिए भी समझना ईजी हो जाएगी। तो आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क में दो चीज़ें सबसे मेजर है, द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी इसको साथ साथ वो स्टडी कर सके। द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क आर द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ कॉमन जो है वो लैंग्वेज रन टाइम का मतलब क्या है, इसको CLR भी बोलते हैं। और सेकंड थिंग क्या है, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, यानी पहली चीज़ जो है वो डॉट नेट कंपोनेंट के अंदर क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR, और दूसरी चीज़ क्या है, क्लास लाइब्रेरी। अब हम देखते हैं कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है और क्लास लाइब्रेरी क्या है।
कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज द एग्जीक्यूशन इंजन डैट हैंडल, यानी एग्जीक्यूशन इंजन का मतलब ये कंपाइलर है, ठीक है, डैट डैट हैंडल रनिंग एप्लीकेशन, जो कि रनिंग एप्लीकेशन को जो उसके ऊपर रन हो रही है तो उसको क्या करता है, हैंडल करता है। इट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक थ्रेड मैनेजमेंट, ये क्या करता है, थ्रेड मैनेजमेंट को जो है वो मैनेज करता है, गार्बेज कलेक्शन को मैनेज करता है, टाइप सेफ्टी को जो है वो मैनेज करता है, और उसके अलावा एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे दो तीन टेक्निकल वर्ड यूज हुआ, थ्रेड मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, ये क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड यूज है थ्रेड मैनेजमेंट। थ्रेड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है पैरेलल एग्जीक्यूशन। पैरेलल एग्जीक्यूशन का एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जो शायद इस टॉपिक से हट के हो, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि थ्रेड मैनेजमेंट का मतलब आपको समझा सकूं। थ्रेड मैनेजमेंट में क्या होता है कि अक्सर कंपनीज के अंदर अगर मैं बात करता हूँ या पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन साइड को देखते हैं तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अभी भी विंडोज़ को यूज़ करती है एज एडमिनिस्ट्रेशन साइड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ तो अब्रॉड में बहुत ज़्यादा, या इवन इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर जो है वो विंडोज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि लिनक्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि लिनक्स की जो है वो सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू विंडोज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे जो बेसिकली काम ये लिनक्स का है, जिसके ऊपर हम वहाँ पे भी अक्सर जगहों पे हम लोग विंडोज़ को जो है वो प्रेफर कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये क्योंकि ओपन सोर्स नहीं है, लिनक्स एक ओपन सोर्स जो है वो हमारे पास मौजूद है और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जो है वो लिनक्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो मैं अगर बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे विंडोज़ के ऊपर मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए। अब एकदम से अगर हमें ये रिकमेंड किया जाए कि मार्केट में जो डिमांड है वो लिनक्स की है, तो आप लोग भी जो है वो लिनक्स के ऊपर मूव करें, तो एज़ कंपैरेटिवली मेरा लिनक्स के ऊपर मूव करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं विंडोज़ के ऊपर काम करते हुए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब बताने लगा हूँ, थ्रेड मैनेजमेंट का मतलब बताने लगा हूँ कि मैं क्या करूँगा कि पैरेलल यानी कि मैं विंडोज़ को भी यूज़ कर रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं लिनक्स को भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं उसके इन्वायरमेंट से भी जो है वो वाकिफ हो सकूँ। तो वो पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है, यानी मेरा काम भी नहीं रुक रहा और मैं दोनों पे काम कर रहा हूँ, यानी विंडोज़ से पे अपना काम कर रहा हूँ, लिनक्स को मैं सीख रहा हूँ साथ साथ। तो ये पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है, आप कह लें कुछ टास्क मैं लिनक्स के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ और कुछ टास्क मैं विंडोज़ के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विंडोज़ के साथ जिस टास्क में ज़्यादा कंपेटेबल हूँ मैं विंडोज़ के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ, और जिस टास्क के जो है वो मैं लिनक्स के साथ ज़्यादा कंपेटेबल हूँ उसको मैं लिनक्स के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। तो अब ये देखो लिनक्स और विंडो पैरेलल एक दूसरे के साथ चल रही है और उसके ऊपर कंटिन्यूसली जो है वो एग्जीक्यूशन हो रही है। तो ये बेसिकली क्या होती है हमारे पास, थ्रेड मैनेजमेंट या पैरेलल जो है वो एग्जीक्यूशन होती है। अब दूसरा वर्ड इसके अंदर यूज हुआ था गार्बेज कलेक्शन। तो बेसिकली जब भी हम लोग, अगर आप में से कोई जानता है सी सी प्लस प्लस को, उसके अंदर जब भी हम लोग पॉइंटर वगैरह बनाते हैं तो वो पॉइंटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो पॉइंटर बेसिकली जब हम सी सी प्लस प्लस में डिज़ाइन करते हैं तो वो मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट कर लेता है, ठीक है। और अगर हम उस पॉइंटर को यूज़ नहीं करें तो इस मीन वो उसने मेमोरी में स्पेस अभी स्टिल ऑक्यूपाई की हुई है, यानी कि पॉइंटर होता है एड्रेस के लिए, ठीक है। अगर हम लोगों ने पॉइंटर डिज़ाइन कर दिया है, डिज़ाइन जैसे ही करेंगे तो वो मेमोरी में क्या करेगा, एक स्पेस एलोकेट कर लेता है, लेकिन हम अगर उसको यूज़ नहीं करें तो इट्स मीन वो हमारी मेमोरी को फजूल में ही यूज़ कर रहा है, यानी उसने मेमोरी के अंदर एक स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। तो गार्बेज कलेक्टर होता है वो क्या करता है, वो रन होता है और रन होके उस पॉइंटर को क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है, ताकि हमारी मेमोरी जो है वो फ्री हो जाए और काम जो है वो स्पीडी प्रोसेस में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग जो है वो गार्बेज कलेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लास लाइब्रेरी की, तो क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइड अ सेट ऑफ APIs। क्लास लाइब्रेरीज के अंदर क्या होती है, कलेक्शन ऑफ APIs होते हैं, यानी डिफरेंट तरह की APIs क्लास के अंदर जो है वो सपोर्टेड होती है, और वो API क्या करती हैं, अ टाइप ऑफ कॉमन फंक्शनैलिटी, जो कि हमें कॉमन फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। इट प्रोवाइड टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, इसके अंदर जो चीज़ें जो हमें वो प्रोवाइड करती है वो स्ट्रिंग होती है, डेट, नंबर एटसेट्रा। द क्लास लाइब्रेरी इंक्लूड APIs फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। इसके अंदर क्लास लाइब्रेरी के अंदर इस तरह की भी API होती है जिसके थ्रू हम लोग फाइल को राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है जो कि हम लोग अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। इसके अलावा अगर हम नीचे आ जाते हैं, .NET एप्लीकेशन आर रिटन इन सी शार्प। .NET की जो एप्लीकेशन सी शार्प के अंदर रिटन होती है या एफ शार्प के अंदर होती है और विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखी होती हैं। कोड इज कंपाइल टू अ लैंग्वेज एग्नोस्टिक कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी कोड को जब हम कंपाइल करते हैं तो उसके लिए जो है वो हमारे पास CIL यानी कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कंपाइलर होता है, जो कि कंपाइल करता है कोड को और उसको असम्बली में जो है वो स्टोर करता है, और असम्बली में स्टोर करने के बाद जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो DLL या EXE होती है। अभी मैं इसको अभी यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। When an app runs, the CLR takes the assembly
CLR क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को गेट करता है एंड यूज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और जस्ट इन टाइम कंपाइलर को यूज करते हुए उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो है वो हमारे जो कंप्यूटर है मशीन है वो सिर्फ सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही जो है वो जानती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसकी और ज़्यादा डेप्थ में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, जो कि मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको स्टडी करें। लेकिन अगर आप लोग जस्ट इसको देखना चाह रहे हैं कि ये क्या है बेसिकली, तो वो उतना मैंने आपको ज़रूर बता दिया कि आप लोग अगर सी शार्प में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास .NET की जो एप्लीकेशन होती है वो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर रिटर्न होती है। जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पर स्टडी किया है वो सी शार्प के अंदर, एफ शार्प के अंदर, या फिर विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो बनी होती है। तो लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने एक .NET पे एप्लीकेशन लिखी है और मैंने एप्लीकेशन के लिए जो कोड यूज़ किया है, जो लैंग्वेज यूज़ किया है, वो मैंने सी शार्प यूज़ किया है। अब एक और डेवलपर है, डेवलपर बी, जिसने जो है वो .NET में ही एप्लीकेशन लिखी लेकिन उसने सी शार्प को यूज़ नहीं किया बल्कि उसने एफ शार्प को जो है वो यूज़ किया, उसको यूज़ करते हुए उसने .NET एप्लीकेशन का कोड लिखा। अब एक और डेवलपर है, डेवलपर सी, ठीक है जी, उसने जो है वो ना तो सी शार्प को सपोर्ट किया ना ही एफ शार्प में उसने कोड लिखा, उसने क्या किया, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग कोड लैंग्वेज को यूज़ करते हुए .NET की एप्लीकेशन को लिखा। अब ये कोई भी लैंग्वेज है, लाइक सी शार्प है, एफ शार्प है, ये विजुअल बेसिक है, उनको कंपाइल करने के लिए उनका एक रेलिवेंट जो है वो कंपाइलर होता है। ये सी शार्प को कंपाइल करने के लिए उसका एक रेलिवेंट कंपाइलर है, एफ शार्प में कोड लिखा हुआ तो उसको कंपाइल करने के लिए उसका एक रेलिवेंट कंपाइलर है, अगर विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा हुआ है तो उसको कंपाइल करने के लिए विजुअल बेसिक कंपाइलर मौजूद है, जो कि उसकी एप्लीकेशन को क्या करता है, कंपाइल करता है। अब ये तीनों जो है वो लैंग्वेजेस में लिखा हुआ कोड कंपाइल होने के बाद एक कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कंपाइलर के अंदर आ जाता है, यानी कि तीनों मिक्स होकर फिल्टर होने के बाद एक ही कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर आ जाता है, और कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज से कंपाइल होने के बाद वो कहाँ पे जाता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के अंदर आता है, और कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या करता है, उसको असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, और असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करता है, मशीन कोड में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर है या डेस्कटॉप जो है वो कह लें मशीन्स हैं, वो सिर्फ सिर्फ मशीन कोड को जो है वो रीड करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है .NET आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया है, मज़ीद मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप मज़ीद इसको डेप्थ में पढ़ना चाह रहे हैं तो इसकी जो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप ज़रूर पढ़िएगा, जाए किसी और ब्लॉग को रीड करने के, और मैं आपको जो है वो हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट को ही स्टडी करना है। चले जी, अब क्योंकि मैंने तो अपना विजुअल स्टूडियो 2019 जो है इंस्टॉल कर लिया, मैं अब उसके अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करूँगा, लेकिन आप लोग जब आप लोगों का भी आई नो कि उसमें इंटरनेट की स्पीड रिक्वायर्ड होती है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको अच्छे से इंस्टॉल कर लेना है, और अगर कोई अपडेट आती है तो उसको आपने अपडेट लाजमी कर लेना है। तो आए हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो 2019 आफ्टर इंस्टॉलेशन हम लोगों ने इसको ओपन करना है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको ज़्यादा रैम तो रिक्वायर्ड होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके सिस्टम में SSD है तो कंपैरेटिवली अगर 4GB रैम है, 4GB रैम के साथ ये चल जाएगा, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो 2019 आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी SSD हार्ड नहीं है, HDD है, उसमें कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा, यानी कि इसको ओपन होने में, फाइल क्रिएट करने में, प्रोजेक्ट क्रिएट करने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप लोग अपने सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करवा लें, ठीक है। मैंने भी अपने सिस्टम में जो है वो अभी रिसेंटली SSD लगवाई है, उसके बाद मेरे सिस्टम की जो वर्किंग है, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी क्या करें कि अपने सिस्टम में जो है वो एटलीस्ट मिनिमम SSD लगवा लें, और SSD के ऊपर आप अपने विंडोज़ को जो है वो इंस्टॉल करें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद आप जब इंस्टॉल कर रहे होंगे तो इंस्टॉल करने के बाद इससे पहले, यानी ये जो इंटरफेस आ रहा है, इससे पहले आपके पास एक और इंटरफेस आएगा कि आप जो है विजुअल स्टूडियो कोड का जो कलर है वो क्या रखना चाह रहे हैं, वो डार्क रखना चाह रहे हैं, वो ब्लू रखना चाह रहे हैं, वो लाइट रखना चाह रहे हैं, डार्क ब्लू रखना चाह रहे हैं, डिफरेंट कलर्स आएगा वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, इट्स अप टू यू। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपके पास ये स्क्रीन आएगी, अगर इस स्क्रीन में देखें तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर रीसेंट मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा था, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपके पास ये राइट साइड वाली ऑप्शंस ही नज़र आएंगी, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट परफॉर्म नहीं किया होगा। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं,
ठीक है, कि आप इसको किसी कोर्स पे इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसका क्लोन बना के इसकी रिपोजिटरी जो है वो कहीं पे डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप एक प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं या उसकी सॉल्यूशन फाइल को, SLN का मतलब होता है सॉल्यूशन फाइल को ओपन कर सकते हैं, या आप कोई लोकल फोल्डर ओपन करना चाह रहे हो उसको कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जो है वो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इसमें जल्दी से हम लोग एक जो है वो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि जो है वो हम लोग इसके ऊपर काम करना कितना इजी है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप ब्लेजर वेब असेंबली ऐप बना सकते हैं, रेजर क्लास लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, ASP.NET Core विद एंगुलर को यूज़ कर सकते हैं, ASP.NET Core विद React.js यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। तो आप अगर एंगुलर के साथ काम करें तो आप क्या करेंगे, आप ASP.NET Core विद एंगुलर जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली फाइल क्रिएट करनी है, और इनिशियली क्योंकि हमारा टॉपिक सी शार्प है तो हम लोग .NET वगैरह को रिकमेंड नहीं करेंगे, हम लोग सी शार्प को मद्देनजर रखते हुए फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने हम लोग जो है एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं सी शार्प के अंदर। तो यहाँ पे ना आपके पास ये ऑप्शंस आ रही होगी ऑल लैंग्वेज, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है सी शार्प, यानी कि अब हमें वही फाइल नजर आएंगी जो सी शार्प के लिए ज़्यादा कंपेटिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल फाइल सर्च करेंगे कंसोल ऐप, ठीक है, और कंसोल ऐप ये मेरे पास आ गया कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क, यानी मैं कंसोल ऐप सेलेक्ट करूंगा जो कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर रन होगी। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फाइल का या प्रोजेक्ट का जो भी नेम रखना चाह रहे हैं वो नेम रख देना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट को इसका नेम रख देता हूँ, कंसोल ऐप वन है तो चलो जी मैं कंसोल ऐप वन ही रख देता हूँ, ठीक है। तो ये उसके बाद मैं सिंपल क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा मेरी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट्स डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर स्पीड, ठीक है। तो थोड़े से टाइम के बाद ये देखें फाइल क्रिएट हो गई है, और फाइल क्रिएट होने के बाद ये इन्वायरमेंट उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर तमाम चीज़ें पहले से मौजूद है। मैंने जस्ट क्या किया है के सॉरी ओके तो जैसे ही हम लोगों ने कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने जो है वो उसको क्रिएट किया, तो ये हमारे पास उसका इन्वायरमेंट पहले से क्रिएट हुआ मिल गया है। अब ये बेसिकली क्या है, क्या मैं अभी इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं वन बाय वन इसको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक हेलो वर्ड प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हेलो वर्ड प्रिंट करवाना कितना ईजी है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अप हो। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये बेसिकली क्या है, ये नेम स्पेसिस क्या है, ये क्लास क्या है, ये मेन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इस स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर आ जाना है, इसके अंदर आके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन जो है वो पास करेंगे। जो जो इंस्ट्रक्शन हम लोग पास करेंगे ये वो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सी शार्प को बता रहे होंगे कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो इंस्ट्रक्शन हम लोग पास करेंगे वो वन बाय वन सी शार्प उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंसोल ऐप एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाई हुई है, तो कंसोल एप्लीकेशन का आउटपुट भी हमारे पास कंसोल में ही शो होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक कंसोल एक इंस्ट्रक्शन पास करता हूँ सी शार्प को, मैं देखता हूँ कि सी शार्प उसको एग्जीक्यूट करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक लाइन जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर कोई अगर लाइन कोई स्ट्रिंग अगर हम लोगों ने प्रिंट करवाने तो उसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर मैं सी शार्प की बात करता हूँ तो सी शार्प के अंदर अगर हम लोगों ने एक लाइन को एग्जीक्यूट करवाना, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना या प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसोल सिंपल लिखेंगे कंसोल डॉट, ठीक है। कंसोल डॉट के बाद हम लोग आके मेथड डिफाइन करेंगे राइट लाइन, ठीक है, राइट लाइन, ठीक है। ये राइट लाइन का मेथड क्या करेगा, बेसिकली ये फंक्शन ये बेसिकली क्या करेगा कि एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा कंसोल के ऊपर, कौन से स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, और स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। जिस तरह कि हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग का कोर्स करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले हेलो वर्ल्ड ही एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसके बाद आपने जो भी इंस्ट्रक्शन पास करनी है उसके एंड पे आप लोगों ने उसको टर्मिनेट लाजमी करना है, ठीक है। टर्मिनेट करने के बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ऑप्शन आ रही है स्टार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना, पहली बात ये कि मैंने 2019 वर्जन जो है वो रिकमेंड की है, आप लोग भी सी शार्प के लिए 2019 वीजुअल स्टूडियो 2019 करेंगे ताकि उसका इंटरफेस बिल्कुल वैसा हो जैसा कि इंटरफेस मैं अभी इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ,
ठीक है। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो मैंने स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन सॉरी पास किया, ये स्टेटमेंट पास किया, ये कंसोल के ऊपर क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो कंसोल ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद क्लोज भी हो गया है। तो ये क्या हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए हुआ है कि कंसोल ने इस स्टेटमेंट को यानी सी शार्प में स्टेटमेंट को कंसोल के अंदर एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करके उसको बंद भी कर दिया जबकि हमें नज़र भी कुछ नहीं आया। तो अगर मैं उसको स्टॉप करना चाहूँ, और एक मिनट ये एक चीज़ और देखिएगा, मैं इस लाइन को यहाँ से कट करने लगा। जब मैंने इस लाइन को कट कर दिया है, फाइल को सेव किया है, तो यहाँ पे देखिएगा इस वक्त ये जो चीज़ें हैं इन सब का कलर जो है वो ग्रे आ रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, डोमिनेंट नज़र आ रही हैं। कोई भी आप बैकग्राउंड ले लें, ब्लू हो ब्लैक हो, तो उसमें आपने इन चीज़ों पर गौर करना है। लेकिन मैं जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है ये प्रोमिनेंट हो गई है। इसको मैं बाद में बताऊँगा, जस्ट अभी आपने इसको नोट कर लेना है कि ये किस तरह से प्रोमिनेंट हो रही है। उसके बाद मैं अगेन इसको स्टार्ट करता हूँ, कंसोल ओपन होगा और ओपन होने के बाद फ़ौरन क्लोज भी हो रहा है। मुझे तो नज़र भी नहीं आया सॉरी कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। तो इस कंसोल को स्टॉप करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करवाऊँगा। तो मैं सिंपल क्या लिखूँगा, कंसोल को स्टॉप करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और रीड लाइन क्या करेगा, जो कंसोल ओपन होगा उसको स्टॉप कर देगा सिंपल, और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद मैं अगेन स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, मेरा कंसोल ओपन होगा जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ड, और नीचे जो जो मैंने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई हुई है, ठीक है, ये देखें आप हेलो वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब क्या हुआ है कि रीड लाइन ने क्या किया है, उसको स्टॉप कर दिया, अदरवाइज जो है वो मैं कंसोल को रीड ही नहीं कर पा रहा था कि उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने क्या किया है, एक हेलो वर्ड को प्रिंट करवा लिया। फाइनली हम लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दिया सी शार्प के अंदर, ठीक है। आप लोग हंस रहे होंगे कि अभी तो जस्ट हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन जो है वो पास करवाई है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि काम करना कितना ईजी है, ठीक है। तो हम चलते हैं और फर्दर इसको जो है वो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही हैं आपके पास। अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को रन कर रहे होंगे तो आपके पास माइट भी यहाँ पे मेमोरी यूजेज आ रहा हो, जिस तरह हम लोग टास्क मैनेजर ओपन करते हैं ना, तो टास्क मैनेजर में चल रहा होता है कि ये प्रोग्राम जो है वो इतनी मेमोरी ले रहा है, इतने रैम ले रहा है, इतने सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है। तो आपके पास माइट भी यहाँ राइट साइड के ऊपर ये जो है वो मेमोरी यूजेज और रैम यूजेज का यहाँ पे आ रहा हो, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो साथ साथ बता रहा होगा कि इस वक्त कितने यूजेज ले रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि इसको मैं जूम आउट जूम कैसे कर सकता हूँ ताकि आपको कोड मैं दिखा सकूँ। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करने लगा ताकि मैं ये ऑप्शन ढूंढ सकूँ। ओके, तो मुझे इसकी ऑप्शन नहीं मिली क्योंकि मैं ज़्यादा कंपेटेबल नहीं हूँ इस 2019 के साथ, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो मुझे अब इसी के ऊपर काम करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसकी स्क्रीन जो है वो बड़ी कर देता हूँ ताकि जो है वो आप लोगों को कोड जो है वो नज़र आ सके, ठीक है। तो मैं एक और ट्राई करता हूँ, लेकिन ये कंट्रोल प्लस से तो जूम नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जब इस पर काम किया था तो यूनिवर्सिटी में काम किया था गालबन 2014-15 के अंदर, ठीक है। और उसमें भी हम लोगों ने डॉटनेट पे जब काम किया था 2012 था वर्जन विजुअल स्टूडियो का, अब तो लेटेस्ट आ गया। क्योंकि मैं लेटेस्ट इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है वो तमाम फंक्शनलिटी मौजूद होगी, हो सकता है 2012 जो आप यूज़ करें या कोई और वर्जन यूज़ करें उसमें कुछ चीज़ें सपोर्टेड ना हो, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है। तो इसलिए मैं इसके साथ ज़्यादा कंपेटेबल हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही इसके साथ कंपेटेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल जो है वो हम लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर हम लोगों ने हेलो वर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करवा दिए, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है इसमें, मैं एक दफ़ा और देख लूँ, ट्राई कर लूँ, हो सकता है कि मुझे कोई ऑप्शंस मिल जाए जूम करने की, क्योंकि मुझे आई नो कि ये कोड जो है वो बहुत छोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जस्ट वंस मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जूम इसको अगर आप लोगों ने करना है तो जूम करने के लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पर आपको भी बता देता हूँ, जूम इन करना है अगर आप लोगों ने, यानी अगर उसको इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या लिखना है, कंट्रोल जो की प्रेस करनी है, प्लस शिफ्ट प्लस और एंड पे डॉट, ये आपने जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉट प्रेस करना है तो ये जूम आउट हो जाएगा, जूम इन होगा सॉरी। और अगर आप लोगों ने जूम आउट करना है यानी कि छोटा करना है तो उसके लिए आप लोगों ने कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, और प्लस कोमा ये यूज़ करना है, ठीक है, तो इससे जूम इन आउट हो जाएगा सॉरी, ठीक है। तो ये अभी मैंने इंटरनेट से देखा है, आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि अभी आप लोग भी यूज़ कर सकें। चले जी, अभी हम मूव करते हैं और हेलो वर्ड तो प्रिंट करवा लिया है, लेकिन हेलो वर्ड प्रिंट करवाने के साथ मैं आपको बताने लगा हूँ कि बेसिकली राइट लाइन आगे अभी हम लोगों ने फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। तो राइट लाइन और एक होता है राइट सिंपल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
ठीक है, तो डिफरेंस अभी आपको मैं बताता हूँ। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जो है वो जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉट प्रेस करूँगा तो ये देखे जूम होना स्टार्ट हो गया। अब राइट लाइन जो है ये बेसिकली एक फंक्शन है जिसको हम लोग कंसोल के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और राइट लाइन जो है वो बिहेव करता है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, जो कि हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। ये देखिएगा, अगर मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ये देखें मैंने इसको 4 टाइम एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट करवाने के बाद मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो ये हेलो वर्ल्ड की जो स्टेटमेंट है ये 4 टाइम कंसोल के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर इसका साइज़ भी इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ 24। और ओके, यहाँ पे देखें इस वक्त जो है वो मेरे पास जो है वो कंसोल के ऊपर जो है वो हेलो वर्ल्ड 4 टाइम प्रिंट हो रहा है। 4 टाइम क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को, इस स्टेटमेंट को 4 टाइम एग्जीक्यूट करवाया हुआ है। और हर टाइम जब वो ये कंसोल के अंदर शो हो रही है तो हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये हेलो वर्ल्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हर दफ़ा न्यू लाइन से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो जब कंसोल ओपन होता है तो यहाँ पर आपकी मेमोरी यूजेज जो है वो शो हो रही होती है, ठीक होगा जी। तो राइट लाइन क्या होता है, एक फंक्शन है जिसको हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए कंसोल के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। और ये हमेशा क्या करता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, यानी इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगी। तो ये हो गया राइट लाइन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट लाइन एंड राइट, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है कंसोल डॉट, ठीक है, राइट, सिंपल राइट का मेथड यूज़ करूँगा, सॉरी डॉट आएगा यहाँ पे और ये W कैपिटल आएगा, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाऊंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, स्टेटमेंट अब स्पेलिंग पे ना जाइएगा एग्जीक्यूशन, ठीक है, सेमी कॉलन सेव, और स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा। और ये राइट जो है वो राइट का फंक्शन ये बेसिकली क्या करता है, ये इन लाइन की तरह काम करती है, यानी कि एक ही लाइन में इसकी एग्जीक्यूशन करवाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लिखूंगा राइट के अंदर, ठीक है, ताकि जो है मैं देख सकूँ कि राइट लाइन के अंदर, सॉरी राइट लाइन ब्लॉक लेवल की तरह काम करता है, राइट जो है सिंपली इन लाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। और मैं जैसे एक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाऊंगा राइट के साथ तो ये उससे ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे ओके। तो ये कंसोल आपने पहले क्लोज कर लेना, ये कंसोल जब तक क्लोज नहीं होगा आप इसको कोड में, कोड आप नहीं लिख सकते। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट, ठीक है, ये देखे मैंने, और ये मैंने लिख दी स्टेटमेंट, ये लेट्स सपोज स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट क्या हो गई है 2 हो गई, सेव, और स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सिंपल राइट का फंक्शन है वो इन लाइन की तरह काम कर रहा है, वो एक ही लाइन में, ये देखिए ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और उसके साथ ही सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये बेसिकली डिफरेंस है हमारे पास जो है वो राइट लाइन और राइट के फंक्शन में। राइट लाइन क्या करता है, इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगी, और राइट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एक ही लाइन में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास जो है वो राइट और राइट लाइन में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प, सी शार्प का स्ट्रक्चर क्या है या सिंटेक्स क्या है। तो इसके अंदर अगर आप देखें, स्टार्ट में देखें, स्टार्ट में हम लोग चले जाते हैं तो इसके अंदर ये काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक है, सिस्टम डॉट लिंक है, सिस्टम डॉट टेक्स्ट है, सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क है, डिफरेंट लाइब्रेरीज आपको नज़र आ रही हैं। तो ये बेसिकली मैं इसको रिजेम्बलेंस दूंगा जिस तरह हम लोग सी सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हमारे हेडर फाइल्स मौजूद होती है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट आई ओ डॉट फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है, तो ये भी एक तरह की हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वक्त जितनी भी हम लोग स्टेटमेंट इस मेन के फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो सारी की सारी जो स्टेटमेंट है या इंस्ट्रक्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइब्रेरी को जो है वो यूज़ करें, यूजिंग सिस्टम को, और इसका जो कलर है वो प्रोमिनेंट हो गया, यानी थोड़ा सा डार्क हो गया, जबकि ये थोड़ा सा ग्रे कलर में नज़र आ रही है क्योंकि ये यूज़ अभी इस वक्त नहीं हो रही है। हम लोग जितने भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट को जो है वो रीड करनी है, इसी स्टेटमेंट से हेल्प लेके एग्जीक्यूट हो रही है,
ठीक हो गया। तो इसलिए इनका कलर ग्रे आ रहा है, जबकि इसका कलर क्योंकि मेरे पास वाइट बैकग्राउंड में है तो मेरे पास जो है वो डार्क में कलर आ रहा है। ठीक है, तो आपका अगर कलर कोई और भी होगा तो आप लोगों ने देख लेना कि उसके अंदर भी आप ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे मेन फंक्शंस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ यूजिंग सिस्टम को जो है वो यूटिलाइज करी होगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि हम सिर्फ इसी की लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ। ये बेसिकली हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, ये जब हम लोगों ने कंसोल ऐप सेलेक्ट की थी तो उसके साथ ये बेसिकली खुद ही इन्वायरमेंट जो है वो सेटअप हो गया था। ठीक हो गया, और ये इस वक्त हम लोग यूज़ नहीं कर रहे जिनको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूजिंग सिस्टम की जो है वो नेम स्पेस क्लासेस को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया नेम स्पेस, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है नेम स्पेस बेसिकली क्या है। ठीक है, तो मैं अब आपको स्ट्रक्चर बताने लगा, क्योंकि सी शार्प का पहले मैंने आपको हेडर फाइल्स का बता दिया, अब मैं आपको बताने लगा नेम स्पेस बेसिकली क्या है। तो नेम स्पेस का मतलब यह है कंटेनर, क्या मतलब इसका कंटेनर, और इसके अंदर क्या क्या होती है, इसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर क्लासेस होती हैं, और क्लासेस के अलावा इसके अंदर और बहुत सारी नेम स्पेसेस होती हैं। ठीक है, यानी जैसे मैं कह देता हूँ यूजिंग सिस्टम एक नेम स्पेस है, और ये जो मैं इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस नेम स्पेस। ठीक है, क्योंकि इस नेम स्पेस के अंदर और भी नेम स्पेसेस हो सकती हैं, और इस नेम स्पेस के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस भी मौजूद होती हैं। अब इसके अलावा हम लोग नेम स्पेस को यूज़ करते हुए अपने कोड को बेहतरीन तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा, वो आप लोगों ने खुद से थोड़ा सा स्टडी करना है, ब्लॉग्स रीड करें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जो है वो स्टडी करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लास क्या होती है। ठीक है, तो क्लास क्या है, क्लास का मतलब ये है कि इसके अंदर डाटा और मेथड है, या आप कह लीजिए वो कंटेनर है क्लास जिसके अंदर डाटा और मेथड की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक हो गया, और इसके अलावा जो डाटा और मेथड है, बेसिकली मैंने बोला है कि क्लास भी एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या होता है डाटा और मेथड, यानी कि ये वो कंटेनर है जिसके अंदर डाटा और मेथड से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो डाटा और मेथड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस मौजूद होते हैं क्लास के अंदर। मैं दोबारा बताने लगा कि नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस बेसिकली एक कंटेनर है जिसके अंदर डिफरेंट अदर नेम स्पेसेस भी हो सकती हैं और क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, और क्लास क्या है, ये वो कंटेनर है जिसके अंदर डाटा और मेथड से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस वगैरह जो है वो क्लास के अंदर मौजूद होते हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं इसके अंदर, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोगों ने स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली हम लोग इन चीज़ों को कमेंट कैसे कर सकते हैं, जिस तरह अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग कमेंट करते हैं, तो हम लोग इसको कमेंट किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। सिंपल अगर मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करूँगा तो ये स्टेटमेंट क्या होगी है, कमेंट होगी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करूँगा तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, मेरे पास कमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंगल लाइन कमेंट है, और अगर हम लोगों ने डबल या मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक हो गया, और अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट्स करना चाह रहा हूँ तो चले जी मैं मल्टी लाइन कमेंट्स भी यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये वही तरीका जिस तरह हम लोग जो है वो सिंपल सीएसएस के अंदर मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मल्टी लाइन कमेंट्स, और मैं कोशिश करूँगा ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोग इसको देखते हुए जो है वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें और रिवीजन भी कर सकें। ठीक हो गया जी, तो ये मेरे पास क्या होगा मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट हमें अब आइडिया हो गया कि किस तरह से हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करता हूँ और मैं इसको डन, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल्स हम लोग परफॉर्म करते हैं सी शार्प के अंदर के वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल वही है कंटेनर जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा जो वो स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि ये सी शार्प हमने बात की है कि सी फैमिली से बिलोंग करती है, और ये सी प्लस प्लस के और जावा के काफ़ी नज़दीक तरीन लैंग्वेज है, तो इसके अंदर हमें जो है वो जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे उसकी डाटा टाइप डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें डाटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब सी शार्प है जो कि सी के नज़दीक है और सी प्लस प्लस के और जावा के सी फैमिली से सॉरी बिलोंग करती है और सी प्लस प्लस और जावा के नज़दीक है, तो इसलिए हमें जो है वो यहाँ पे डेटा टाइप इसकी डिफाइन करना ज़रूरी है।
तो अब मैं वेरिएबल डिफाइन करने लगा हूँ, ठीक है। और चले जी, मैं इसी सेशन में ही आपको वेरिएबल भी करवा देता हूँ, ठीक है। आई नो थोड़ा सा जो है वो वीडियो की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन नो इशू, मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है वो स्प्लिट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक कमेंट यूज़ करता हूँ, और कमेंट पे मैं क्या लिखूँगा, सी शार्प वेरिएबल, ठीक है। और उसकी डाटा टाइप को भी हम लोग देखेंगे। तो अभी सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और वेरिएबल मैंने क्रिएट किया इंट, और वेरिएबल का नाम मैंने लेट्स सपोज रख दिया ए, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 1 2 3 वट एवर, जो भी आप वैल्यू स्टोर करवाना चाहें, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और सिंपल उसके अंदर पास करूँगा ए। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ए के अंदर जो भी वैल्यू उसको शो करवाएगी, और ये स्टेटमेंट क्या करेगी, कंसोल को स्टॉप कर देगी, ठीक है। तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करके देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो कंसोल के अंदर, यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो वेरिएबल हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था वो सक्सेसफुली जो है वो कंसोल के ऊपर शो भी हो रहा है। और जब ये कंसोल ओपन करते हैं तो इसको क्लोज भी आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेसिकली सी शार्प के अंदर हम लोग किस तरह से जो है वो डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, जिस तरह हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली डाटा टाइप डिफाइन किया है, ये वेरिएबल का नेम है, और ये उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी है, ठीक है। तो इंट का मतलब ये है कि अगर कोई इंटीजर टाइप का या आप कह रहे सिंपल नंबर टाइप का डाटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि डिफरेंट डाटा टाइप में हमारे पास फ्लॉट आता है, ठीक है। फ्लॉट के अलावा हमारे पास जो है वो करेक्टर हम लोग स्टोर करवा सकते हैं, CHR, ठीक है। अभी इनकी एग्जीक्यूशन भी हम लोग करते हैं CHR के अलावा। CHR का मतलब होता है करेक्टर, अगर हम लोगों ने कोई स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए जो डाटा टाइप यूज़ करेंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे CHAR, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, CHR के अलावा हमारे पास बूलियन वैल्यू होती है, यानी ट्रू फॉल्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। ये डिफरेंट डाटा टाइप है सी शार्प के अंदर, जो कि सी शार्प क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको वन बाय वन जो है वो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट यूज़ कर लेते हैं हम लोग, मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डाटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया, लेकिन अभी हम इसको यूज़ भी कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज हम लोग इसके साथ डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, लेकिन उसके साथ मैं यूज़र से एक इनपुट लेना चाह रहा हूँ। तो यूज़र से इनपुट हम लोग किस तरह से जो है वो लेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ यूज़र से इनपुट हम लोग किस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र इनपुट, या सिंपल लिख लें हाउ टू गेट यूज़र इनपुट, ठीक है। चैलेंज, अब हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट नीचे एग्जीक्यूट हो रही है ये, ठीक है। आप देख लें, मैं इसको ना थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। चलिए जी, ज़्यादा हो गया जूम आउट, डन। अच्छा जी, अब हम लोग यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। ये स्ट्रिंग में, क्योंकि मैं फ़र्ज़ करूँ मैं अपना नेम यू एज अ यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, यूज़र, और उसकी डाटा टाइप बेसिकली मैंने क्या रखी है, स्ट्रिंग, क्योंकि जो भी नाम होगा वो करेक्टर्स के अंदर होगा। स्ट्रिंग क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका वेरिएबल का नेम लिख दूंगा, नेम, ठीक है, सिंपल। ये उसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नेम क्या होगा, नेम मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट मैं लिखूँगा रीड लाइन, ठीक है। और ये स्टेटमेंट मैंने उससे पहले कहा कि जैसे ये कंसोल के अंदर ओपन होगा तो ये एक लाइन को रीड करेगा, रीड करके मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अपना नेम डिफाइन करूँगा, वो नेम क्या करेगा, कंसोल में शो करवा देगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे मैं पास करूँगा वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी, वो नेम मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूंगा थ्रू राइट लाइन का जो फंक्शन यूज़ करते हुए, ठीक है। और मैं इस वेरिएबल को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सेव सेव करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, अब ये देखें ब्लिंक कर रही थी, इट्स मीन मुझे यहाँ पे अपना नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज मैंने अपना नेम डिफाइन किया, एंटर किया, और एंटर करने के बाद ये देखें ये जो नेम था, अगर आप यहाँ पे देखें
तो ये नेम जो मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे पास की वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई और इस वेरिएबल को मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया कंसोल के अंदर। तो मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग यूज़र से किस तरह से इनपुट भी ले सकते हैं। तो इनपुट का मेथड अभी मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप का जो है वो वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहा था। यहाँ पे मैंने इंट टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है वो डिफाइन किया। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, डाटा जो डिफरेंट वेरिएबल के डाटा टाइप्स हैं उनका साइज हम लोग देख लेते हैं। कुछ जो डिफरेंट टाइप की जो डाटा टाइप है उसका साइज हमारे पास बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे मैं इंट भी लिख देता हूँ और मैं इसका डाटा साइज आपको बताता हूँ। इंट या इंटीजर बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं और इसके अंदर जो डाटा का जो साइज होता है यानी कितना डाटा वो रिक्वायर्ड करता है वो होता है 4 byte का डाटा। ठीक है, अगर मैं फ्लॉट की बात करता हूँ तो फ्लॉट हमारे पास जो है वो ये भी 4 byte का डाटा जो है वो स्टोर करता है। अगर मैं करेक्टर की बात करता हूँ तो करेक्टर जो है वो 2 byte का डाटा जो है वो स्टोर करवाता है। अगर मैं बुलियन की बात करता हूँ जिसके अंदर हमारे पास 2 values होती हैं ट्रू और फॉल्स, तो बुलियन जो है वो 1 bit, सिर्फ 1 bit, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोगों ने या तो ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है, या फॉल्स को। ठीक है, इसकी वैल्यू भी बेसिकली 2 है, तो ये सिर्फ 1 bit। और 1 bit इज इक्वल टू 1 byte, अगर मैं बात करूँ तो 1 byte इज इक्वल टू 8 bit, यानी अगर 8 bit हो तो 1 byte बनता है। तो इसका मतलब ये है कि बूलियन बहुत कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ तो स्ट्रिंग में क्या होता है, 2 bytes पर करेक्टर, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, तो इसमें हर करेक्टर के अगेंस्ट 2 byte वो रिक्वायर करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2 bytes पर करेक्टर। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसके अलावा और भी हमारे पास टाइप यूज़ होती है लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग का मतलब ये होता है कि अगर हमें लॉन्ग इंटीजर डिफाइन करना तो उसके लिए हम लोग लॉन्ग यूज़ करते हैं। लॉन्ग डाटा टाइप है सी शार्प के अंदर और ये कितना डाटा रिक्वायर करती है, 8 bytes। ठीक हो गया, 8 bytes, और ये इंटीजर की तरह ही होती है, लेकिन अगर हमें लॉन्ग इंटीजर चाहिए तो उसके लिए हम लोग जो है वो यानी एक बड़ा इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी वेरिएबल के अंदर, उसके लिए हम लोग लॉन्ग डाटा टाइप जो है वो यूज़ करते हैं। अदरवाइज इसका यूज़ जो है वो इंटीजर की तरह ही है। और इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव होल नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव होल नंबर भी हो सकते हैं, सेम लाइक इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, इसके अलावा एक और टाइप है डबल, जो कि फ्लोट की तरह काम करती है और ये भी क्या करती है, बाइट्स में डाटा लेती है। और इसमें हम लोग कितने बाइट जो है वो डाटा स्टोर करवा सकते हैं, 15 decimal digit तक का डाटा हम लोग जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता 15 decimal इंटीजर, यानी कि इतना डाटा हम लोग जो है वो डाटा जो है उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने उसकी जो है वो डाटा टाइप देख ली। अब डाटा टाइप की डिफरेंट एग्जांपल देख लें। तभी तक हम लोगों ने इंट की एग्जांपल की है और स्ट्रिंग की एग्जांपल की। अब मैं 1 by 1 जो है वो ट्राई करता हूँ तमाम डाटा टाइप की जो है वो एक एक एग्जाम्पल्स आपको दिखा सकूँ। तो चले जी, मैं क्या करता हूँ, चले जी इसको यहाँ पे हम लोग कमेंट कर लेते हैं और कमेंट करने के बाद मैं इसको भी फिलहाल कमेंट कर, कमेंट कर दिया मैंने। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करने लगे, मैं इसको भी कमेंट करने लगा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, और कमेंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डाटा टाइप की एग्जांपल्स देखने लगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा डाटा टाइप वेरिएबल डाटा टाइप एग्जांपल्स। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, 1 by 1 तमाम की एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंट टाइप का मैंने वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी टाइप मैंने क्या रखी, इंटीजर। ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई भी इंटीजर टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन और ए और सेव स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास कंसोल पे आउटपुट क्या आएगा, 34। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इंटीजर टाइप का जो है वो डाटा वेरिएबलों का
अब नेक्स्ट काम मैं क्या करता हूँ, मैं फ्लॉट टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करवाता हूँ। तो फ्लॉट टाइप का डाटा स्टोर करवाने के लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा फ्लॉट, ठीक है, सॉरी फ्लॉट, और इस वेरिएबल का नाम मैंने लेट सपोज रख दिया बी, और इसके अंदर यानी पॉइंट्स में मैं वैल्यू डिफाइन करूँगा 34.4 या कोई भी आप 3.4 डिफाइन कर दे लेट सपोज, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर फ्लॉट टाइप का डाटा स्टोर करवाया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर सिस्टम स्ट्रक्ट सिस्टम डॉट डबल रिप्रेजेंट अ डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर आ रहा है, अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें कि वो हमारे पास एरर आ रहा है कि देवर बिल्ड एरर, ये एरर बिल्ड करेगा कि आप इसको जो है वो फिर भी सक्सेसफुली बिल्ड करना चाहेंगे। तो मैं कहूँगा नो, मैं पहले एरर को रिमूव करूँगा। तो ये प्रिसीजन टेबल है, प्रिसीजन टेबल में क्या है कि जब भी आप लोगों ने फ्लॉट की वैल्यू डिफाइन करनी है तो सिंपल आप इसके साथ क्या लिख दें, कैपिटल एफ, ठीक है। अब मैंने इसके साथ कैपिटल एफ लिख दिया, मैं सिंपल इस लाइन को क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट, और मैं क्या लिखूँगा बी। अब मैं देखता हूँ क्या वो फ्लॉट वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है कि नहीं करता, क्योंकि एरर तो हम लोगों ने रिमूव कर लिया और यहाँ पे देखिए उसने फ्लॉट वैल्यू को भी एग्जीक्यूट करवा दिया है। अब इसी तरह डबल में भी हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं फ्लॉट वैल्यूज़ को, तो वो किस तरह से करते हैं यानी पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, इसको क्लोज कर लें पहले, क्योंकि उसके बगैर आप कोड नहीं कर सकते। तो मैं सिंपल क्या लिखूँगा, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ डबल, ठीक है। डबल के लिए मैं क्या करता हूँ, सी वेरिएबल का नेम लिख लिया और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 34.4। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जब मैंने फ्लॉट वैल्यू डिफाइन की थी 3.4 तो मुझे उसके साथ क्या लिखना पड़ा, एफ। लेकिन जब मैंने डबल लिखा है तो डबल के केस में मुझे जो है वो 34 पॉइंट के साथ 4 के साथ डी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये हमारे पास क्या है, डबल वैल्यू। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं पहले एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेरे पास इसका आउटपुट देखते हैं कि सी का आउटपुट आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने नीचे सी को एग्जीक्यूट ही नहीं करवाया, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट सी, और स्टार्ट करते दोबारा से, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो सी वेरिएबल भी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इट्स मीन कि डबल के केस में हमारे पास एरर नहीं है। फर्दर अगर आपके पास एरर आता भी है, पहली बात तो आएगा नहीं, अगर आता भी है तो आपने इसके साथ सिंपल क्या डिफाइन कर देना है, कैपिटल डी, ठीक होगा। तो मैंने अभी आपके सामने किया है कि डी के बगैर भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अगर कोई एरर आता है तो आप लोगों ने उसके साथ क्या लगा देना है, कैपिटल डी लगा देना है, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट करेगा एज अ डबल वेरिएबल, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं कि बूलियन टाइप का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, बूलियन के लिए सिंपल आप लोगों ने लिखना बूल, पूरा वर्ड नहीं लिखना बूलियन, ठीक है। और इसकी इसका वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया डी, और या मैं नाम रख देता हूँ डी, ओके। अब इसके अंदर क्योंकि मैं कहता हूँ डी, या इसका नाम मैं रख देता हूँ इज़ ग्रेट, और मैं इसके अंदर जो डाटा स्टोर करवा देता हूँ मैं करवाता हूँ ट्रू, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर दो तरह की वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और इज़ ग्रेट वेरिएबल का नाम था सेव, और स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा और देखूँगा कि क्या बूलियन डाटा टाइप हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बूलियन वैल्यू भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट काम क्या करते हैं, ये तो हम लोगों ने डाटा टाइप की ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्पल जो है वो परफॉर्म कर लिया है। स्ट्रिंग की मैंने आपको ऊपर बता दी थी, अगर आप फिर भी स्ट्रिंग परफॉर्म करना चाह रहे हो तो आप स्ट्रिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो टाइप कास्टिंग बताता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें बता रहा है कि मेमोरी कितनी एग्जीक्यूट हो रही है, कितनी प्रोसेस मेमोरी जो है वो ये ले रहा है, ठीक है। और मैं छोटा सा एक टॉपिक जल्दी से डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया और मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से, क्योंकि वो डेटा टाइप से रिलेटेड ही है, तो मैं अभी करवा देता हूँ आपको, ठीक है। वो है टाइप कास्टिंग, ठीक है। डेटा टाइप कास्टिंग, डेटा टाइप कास्टिंग क्या होती है, यानी कि अगर हम लोगों ने इंटीजर को फ्लॉट में कन्वर्ट करना हो या फ्लॉट को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम लोग किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डाटा टाइप कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं, यानी डिफरेंट डाटा टाइप को अगर हम लोगों ने कन्वर्ट करना हो किसी और डाटा टाइप के अंदर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप समझ लें कि मैंने फ्लॉट को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, या इंटीजर को कन्वर्ट करना है करेक्टर में, करेक्टर को कन्वर्ट करना है डबल में या लॉन्ग में, वट एवर, हम लोग इसको इस तरह से जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब मैं इसकी एक एग्जांपल पहले आपको बता दूं, नेक्स्ट काम फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
ठीक है, मैं इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं। चलो जी, ये कमेंट हो गया। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, चलो इसको मल्टी लाइन ही कर देते, मेरे मायने में नहीं रहा। चलो जी, मल्टी लाइन कमेंट भी कर देते। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, मैं पहले इसको कॉपी कर लूँ और इसके अंदर हम लोग टाइप कास्टिंग की एग्जांपल्स करने लगे। टाइप कास्टिंग मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, मैं पहले एक एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, देन उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा मज़ीद। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, हिंट एक्स। ठीक है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू लेट्स सपोज स्टोर करवा दी 3.5। अब ये हमें पता है कि इंटीजर के अंदर फ्लॉट वैल्यू यानी पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, जबकि मैंने उसको स्टोर करवा दी है। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अभी नज़र आ रहा है कि एरर आ रहा है। तो चले जी, मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन सॉरी, और क्या करूँगा एक्स, और स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो अगेन हमारे पास, क्योंकि एरर आ रहा है तो वो कहेगा कि क्या इसको आप बिल्ड करना चाहेंगे, तो मैं हरगिज़ इसको बिल्ड नहीं करना चाहूँगा। और यहाँ पे देखें हमारे पास एक एरर भी आ रहा है। अगर आप इस एरर को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू इंटीजर एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एग्जिस्ट। यानी कि इम्प्लिसिट हम लोग कन्वर्जन नहीं कर सकते, जबकि एक्सप्लिसिट जो है वो टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ये क्या है इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं क्या लिखूँगा, सॉरी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। अब इस वैल्यू को जो फ्लॉट में या डबल में आ रही थी उसको मैंने कन्वर्ट करवा दिया इंटीजर के अंदर। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है। जी, आप देख सकते हैं उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा दिया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 यानी कि जो हो कह लें आप विदाउट पॉइंट के वैल्यू जो है वो शो हो रही है। ठीक हो गया, अब ये क्या है, अब मैं इसको बताने लगा हूँ आपको। अभी हमने एरर को स्टडी किया, उसने कहा जी इसके ऊपर जो एरर पहले आ रहा था इसके ऊपर इम्प्लिसिट जो है वो कन्वर्जन नहीं हो सकती, हाँ इसके ऊपर जो है वो इस वक्त एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जब हम टाइप कास्टिंग की बात करते हैं तो टाइप कास्टिंग पहले देखा कि कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, अब कन्वर्जन की दो टाइप्स हैं, एक है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, या कास्टिंग, दूसरी है हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इम्प्लिसिट कास्टिंग का मतलब ये होता है ऑटोमेटिकली कन्वर्जन, यानी कि सी शार्प खुद ब खुद ही उसको किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, जबकि जो एरर आया था उसने कहा था ये एरर इम्प्लिसिट नहीं, यानी खुद ब खुद ही जो है वो उसकी डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं होगी। ठीक हो गया, अच्छा जी, इम्प्लिसिट का मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसको खुद ब खुद ही जो है वो उसकी डेटा टाइप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है कि हम खुद कंपाइलर को बताएं कि हाँ इसकी डेटा टाइप को अब चेंज करो, यानी हम खुद इंस्ट्रक्शन पास करें। यानी ये जो केस है ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट जो है, एक्सप्लिसिट का मतलब भी हम लोगों ने खुद उसको कहा है कि इस फ्लॉट या डबल नंबर को किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में जो है वो कन्वर्ट कर दो। ठीक हो गया, तो ये एक्सप्लिसिट होगी, इम्प्लिसिट के ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद ब खुद इसको कन्वर्ट करता है, और एक्सप्लिसिट में हम खुद कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो इसकी डाटा टाइप को क्या कर दे, चेंज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टेबल डिफाइन करूँगा, और टेबल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। तो मैं करेक्टर को फ्लॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्लॉट को सॉरी करेक्टर को इंटीजर में, इंटीजर को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लॉन्ग को मैं फ्लॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्लॉट को मैं जो है वो डबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये उसका आप कह लें कि कन्वर्जन टेबल है, सिंपल। ठीक है, तो हम जल्दी से एक एग्जांपल परफॉर्म करते हैं। तो मैं सिंपल क्या लिखता हूँ, इंट लेट सपोज मैंने लिख दिया x1, क्योंकि x के नाम से वेरिएबल मैंने पहले डिफाइन कर दिया x1, और इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी मैंने 3। अब ये 3 किसके अंदर स्टोर है, x में। अब एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इंट y, और उसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ x को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है,
क्योंकि अब मैंने क्या किया हुआ है, इस थ्री को एक्स में स्टोर कराया, सॉरी एक्स वन में लिखूंगा यहाँ पे, और एक्स वन के अंदर बेसिकली क्या स्टोर है, थ्री है। अब मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं सिंपली लिखूंगा वाई, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या उसने जो है वो स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया या नहीं करवाया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेते हैं हम लोग, स्टार्ट पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वो थ्री को जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहा है, इट्स मीन कि ये वाई को वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट जी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, ये हम अभी देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन होती है या नहीं होती, ठीक है। तो इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे पास अभी भी हो रही है, लेकिन लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इस वाई को एज अ करेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एज अ मैंने करेक्टर ले लिया, करेक्टर के लिए हम लोग सिंगल कोड यूज़ करते हैं, डबल कोड स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सी शार्प की बात कर रहा हूँ मैं, इसको सेव करता हूँ और मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास, इसका आउटपुट अभी भी मेरे पास थ्री ही आ रहा है। मैं इसका आउटपुट की आना नहीं चाहिए, मैं एक मिनट देख लेता हूँ इसमें क्या इशू है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैंने एज अ करेक्टर लिया है, तो करेक्टर के अंदर बेसिकली क्या आना चाहिए था, उसकी ASCII वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं उसको देख लेता हूँ उसमें इशू क्या आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करके देखता हूँ, अब भी हमारे पास आ गया एरर, और ओके सॉरी यहाँ पे हम लोग ने जी को तो कॉल किया ही नहीं हुआ। सेव और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अब हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये 121 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे Z के अंदर क्या स्टोर करवाया हुआ, वाई को। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो पहली एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी, अच्छा कंसोल को क्लोज नहीं कर, क्लोज करता हूँ। अगर आप दोबारा देखें, ठीक है, और Z, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कंसोल को, मेरे पास थ्री आ गई, ये स्टेटमेंट ओके होगी। अब ओके यार इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ एज अ करेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है। तो करेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो उसने उसका ये 121 शो करवाया, ये 121 वाई का क्या है, ASCII कोड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल गूगल, ठीक है, गूगल पे जाके मैं सर्च करूँगा वाई ASCII कोड, ASCII ASCII कोड, ठीक है। ये डिफरेंट लोगों ने इसके ऊपर आप डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे 28 मोर पे क्लिक कर दें या इस पर क्लिक कर दें, वो आपको इसका कंप्लीट जो है फ्लो चार्ट दिखा देगा। तो हम लोग बेसिकली वाई का ASCII कोड देखना चाह रहे थे, तो चलें जी यहाँ नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि वाई का ASCII कोड हमारे पास क्या है। ये तो वाई का ASCII कोड हमारे पास क्या आ रहा है, 121 ASCII कोड आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये जो अभी एग्जीक्यूशन हुई है यहाँ पे कंसोल के ऊपर, ये उसके ASCII कोड हमें, ये ASCII कोड जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज पता नहीं क्या इसकी एब्रिविएशन बनती है, इसका ASCII कोड हमें जो है वो शो करवा रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जो हम लोगों ने एक चार्ट डिफाइन किया है, ठीक है, ये उसके थ्रू ही ये काम कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगी, इम्प्लिसिट जो है वो ये इम्प्लिसिट बेसिकली क्या है, वो कास्टिंग है, और एक्सप्लिसिट कास्टिंग की एग्जांपल हम लोगों ने ऊपर परफॉर्म कर ली है। अब बेसिकली जो है वो कास्टिंग को डिफाइन करने के और भी मेथड्स है, यानी टाइप कास्टिंग हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, तो उसकी भी मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जो है वो इसको मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर लेता हूँ, डन। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, टाइप कास्टिंग की जो है वो एक और मेथड देखने लगे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के अलावा, मतलब मेथड तो यही यूज़ करेंगे, टाइप तो यही यूज़ करेंगे, लेकिन इसको परफॉर्म करने के मेथड्स हमारे पास डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप पहले कमेंट कर दूँ, टाइप कास्टिंग मेथड,
ठीक है। अब हम उसके मेथड देखने लगे हैं, तो मैं सिंपल कर लिखता हूँ फ्लॉट वार, एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिया। अब इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, सिंपल 3.55, ठीक है। और ये एग्जाम्पल मैं बस आपको करवाऊँगा, उसके अलावा इसको आपने डिफरेंट तरीक़ों से परफॉर्म कर लेना। कंसोल डॉट सिंपल मैं लिखूँगा राइट लाइन, और मैं सिंपल क्या लिखूँगा, सिंपल वार। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले ही एरर आ रहा है, और ये एरर हमारे पास ऊपर भी आया था, ठीक है। तो चले जी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एरर है, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। और अगर मैं इस एरर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिटरल ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू टाइप फ्लॉट, यानी कि इम्प्लिसिट रिटर्न नहीं होगा। यानी कि इम्प्लिसिट का मतलब कंपाइलर उसको खुद ब खुद ही कन्वर्ट नहीं करेगा फ्लॉट को, किसके अंदर, डबल के अंदर। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खुद से अगेन जो है वो एक्सप्लिसिट जो है वो टाइप लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल मैं लिखूंगा, अब मैं क्योंकि उसके मेथड यूज करने जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा कन्वर्ट, कन्वर्ट कर दो इसको, किसमें कन्वर्ट कर दूंगा मैं फ्लॉट को, सिंपल डबल, डबल में तो कर ही सकता हूं लेकिन मैं डबल में नहीं बल्कि इसको मैं करूंगा इंटीजर में कर दो। तो मैं लिखूंगा 2 into 32 या 2 into 64 भी कर सकता हूं। तो मैं सिंपल ये मेथड यूज करूंगा 2 into 32, और इसको मैं सिंपल जो है वो ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर दूंगा, सेव करूंगा। अब मैंने क्या किया, फ्लॉट को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, ठीक। और ये एक्सप्लिसिट है, ठीक है। स्टार पे क्लिक करूंगा और मैं देखता हूं कि अब मेरे पास आउटपुट पे ये आप देख सकते हैं उसने क्या किया हुआ है, इसको जो है वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपने देखना है, ये मैंने 3.55 लिखा था, आउटपुट पे 4 क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी वो जिस तरह पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा हो वो लॉजिक यूज़ हो रहा है, तो इसको आपने ज़रा थोड़ा सा गो थ्रू करना है। बेसिकली मैं भी टाइप कास्टिंग के मेथड आपको डिफाइन करा। इसी तरह 232 के जहाँ पे आप 2 स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, 2 डबल लिखेंगे तो उसको डबल में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये टाइप कास्टिंग हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अब हम लोग सपोज कर लेते कि हम लोग यूज़र से जो है वो इनपुट ले रहे हैं, उस केस में हम लोग इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करूँगा, ठीक है। अब हम सपोज कर लें कि हम लोग जो है वो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मैं लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एंटर योर नेम, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग, क्योंकि नेम स्ट्रिंग में ही होगा क्योंकि उसके अंदर करेक्टर होंगे। चलो जी, मैंने एक नेम टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और मैं सिंपल यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक हो गया, डन। चलो जी, ये मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ हे हेलो, और इसको कंकैटिनेट करवा दूंगा मैं इस वेरिएबल के साथ, ठीक हो गया। सेव और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कंसोल मेरे पास ओपन होगा। ये सबसे पहले क्या लिखवा रहा है, एंटर योर नेम, तो मैं नेम लिख देता हूँ अवैस, एंटर करूँगा और उसने कहा हे हेलो अवैस, ठीक हो गया। चलें जी, ये हम लोगों ने यूज़र से इनपुट ले ली। अब हम कोई यूज़र से लाइक नंबर टाइप की जो है वो इनपुट लेंगे, तो मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगा। मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहते हैं हाउ ओल्ड यू आर, ठीक हो गया। अब मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, वो आप देख लीजिएगा, हाउ ओल्ड यू आर, ये क्वेश्चन हमने उससे पूछा यूज़र से, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को कॉपी करना है, पेस्ट, और यहाँ पे लिखूँगा Your age is, और यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सॉरी
यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल नहीं लिया, तो वेरिएबल मैं पहले ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या किया है, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी है, और स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूँगा कैपिटल एज, वेरिएबल का नाम रख दिया, और क्योंकि यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक हो गया, और डन। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एज, ठीक हो गया। सेव करते हैं, स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, तो सबसे पहले मैं नेम एंटर करूँगा अवैस, उसके बाद ये देखें हाउ ओल्ड यू आर, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन पहले उसने पूछना था और हे हेलो गाइस पहले प्रिंट होगा, तो मैं इसको क्लोज करके इसको पहले ठीक कर लूँ, ठीक है। ये जस्ट ये स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ से उठानी है, कट की यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेव, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले वो नेम पूछेगा हमसे, नेम उसने पूछा, मैंने नेम लिख दिया अवैस, उसके बाद उसने कहा हे हेलो अवैस हाउ ओल्ड यू आर, तो लेट सपोज मैं कह देता हूँ जी 20, एंटर करूँगा, तो वो कह रहा है योर एज इज 20, ठीक हो गया। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, एज में 4 ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐड कैसे करूँगा, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ऐड किस तरह से करना है, लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 4 योर एज इज, और एज के अंदर जो भी मैं इनपुट पास करूँगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया 4 4 5 वट एवर जो भी नंबर मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको सेव करके स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कंसोल में देखते हैं, एंटर करेंगे अवैस, क्या लिखा हुआ है, हे हेलो अवैस हाउ ओल्ड यू आर, तो मैंने लिख दिया लेट सपोज 20, एंटर करूँगा तो ये क्या लिखा हुआ है, योर एज इज 204, इतनी तो मेरी एज हो ही नहीं सकती, पाकिस्तान में एवरेज 56 चल रहा है, तो ये क्या हुआ है, ठीक है। तो मैं अब इसका मतलब आपको बताने लगा हूँ, और जो टाइप कास्टिंग का मेथड है ये बेसिकली उसी की एग्जाम्पल है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर पहले स्टेटमेंट हो रही है ना, पहले स्ट्रिंग टाइप की स्टेटमेंट आ रही है, उसके बाद अगर कोई भी हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो अगर पहले स्ट्रिंग है तो वो बाकियों को भी एज अ स्ट्रिंग ही क्या करेगी, कंसीडर करेगी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो एज है वो नंबर है, वो नंबर को स्ट्रिंग के साथ क्या कर रही है, ऐड नहीं कर रही, कैटिनेट कर रही है, और उसके बाद अगर ये भी 4 आ रहा है तो वो इसको भी एज अ स्ट्रिंग ही जो है वो कंसिडर कर रही है, यानी इन दोनों को, एज को और इस 4 को क्या कर रही है, वो एज अ स्ट्रिंग ही जो है वो कंसिडर कर रही है, और इनको आपस में ऐड नहीं बल्कि क्या कर रही है, कनकैटिनेट कर रही है। तो इट्स मीन मुझे अगर इसको जो है वो नंबर में कन्वर्ट करना है, और मैं ये चाह रहा हूँ 20 प्लस 4 हो जाए, तो ये तो एज अ स्ट्रिंग ही इस वक्त जो है वो अगर आप देखें तो स्ट्रिंग ही डील हो रहा है, तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किसके अंदर, नंबर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा कन्वर्ट, ठीक है, डॉट टू इंट 34 कर लें, या इंट सॉरी इंट 64 कर लें, या 32 कर लें, इट्स अप टू यू, दोनों से एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा इंट 32, और इसको मैं बेसिकली ब्रैकेट में लिखूंगा एज को, और कन्वर्ट का आई थिंक सी कैपिटल आएगा, डन, ठीक हो गया। अब मैं अगेन इसको स्टार्ट पे क्लिक करके चेक करता हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। अब मैंने उसको कहा है कि एज को कन्वर्ट कर दो नंबर में, ठीक है, यानी इंटीजर में, तो मैंने लिखा अवैस ए हाउ ओल्ड यू आर 20, और अगेन अगर आप देखें तो योर एज इज 20, ठीक है, 20 मैंने उसको इनपुट दिया, और अभी भी स्टिल मेरे पास 204 ही आ रहा है, क्योंकि अब ये देखें वो क्या कर रहा है, वो पहले इसकी एग्जीक्यूशन करवा रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली इन सबको क्या कर रहा है, डील कर रहा है। तो अगर हम उसकी प्रायोरिटी चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और मैं इस सारे स्टेटमेंट को कट करके इस ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, सेव करूंगा, और अब मैं देखता हूँ स्टार्ट पे क्लिक करके कि अब भी वो कन्वर्ट कर रहा है एज में, या अभी भी उसको एज अ स्ट्रिंग ही ले रहा है। अवैस एंटर हाउ ओल्ड यू आर लेट्स सपोज 20, और अगर आप देखें तो अब उसने 4 को उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने उसकी प्रायोरिटी चेंज करके उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग से इंटीजर के अंदर,
तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास करेक्ट आंसर आ रहा है, योर एज इज 24। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग इम्प्लिसिट कास्टिंग यूज़ नहीं करें, बल्कि हम लोगों ने कौन सी कास्टिंग यूज़ की है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो ये कन्वर्ट का मेथड है हमारे पास, जो कि टाइप कास्टिंग मेथड के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा है, उसकी एग्जाम्पल भी हम लोगों ने परफॉर्म कर ली है। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग रिमेनिंग सी शार्प की चीज़ें देखेंगे, और अगर आप लोग सी शार्प के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में लैंग्वेज है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर आप ये कहें ना कि इसको मैं क्या करता हूँ, इस सॉफ्टवेयर बगैर कर लूँगा, तो आप कर सकते हैं कोई और जुगाड़ लगा के, लेकिन वो ना कीजिएगा, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कीजिएगा ताकि आप इस सॉफ्टवेयर के साथ, विजुअल स्टूडियो के साथ जो है वो कंपेटेबल हो सके। और अगर आप सेम इंटरफेस चाह रहे हैं जो मेरे पास इंटरफेस आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल विजुअल स्टूडियो 2019 इंस्टॉलर डाउनलोड करके उसको जो है वो इंस्टॉल करना है। और ये मैं कोड जो है वो कॉपी करके एक फाइल में रख के ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आपको जो है वो मिल जाएगा, और ये कोड आपने एज इट इज़ जो है वो यूज़ करना। और यहाँ पे अगर आप देखें जितनी भी अपने लोगों ने एग्जीक्यूशन किया, वो सिर्फ और सिर्फ इस नेम स्पेस को यूज़ करते हुए, कि बाकी नेम स्पेस इस वक्त हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।